माचिस कहाँ है? लाओ माचिस, लाओ लाओ तुम जलाओ यार। अरे माचिस, माचिस किस माचिस है? तुम कह रहे थे माचिस है। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। किसानों ने लगाए अजय भट्ट मुर्दाबाद के नारे। रुद्रपुर पहुंचे सांसद अजय भट्ट से मिलने पहुंचे किसानों के द्वारा। मीटिंग के बाहर पहले सांसद अजय भट्ट का इंतजार किया गया और जब अजय भट्ट किसानों से नहीं मिले, ना ही उनका ज्ञापन नहीं लिया, तो किसान नेताओं ने सांसद अजय भट्ट मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मीटिंग हॉल के पास से बाहर आ गए। किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताया। इस दौरान किसानों ने कहा कि वो सांसद राज्य भट्ट को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सांसद ने उनसे मिलकर उनका ज्ञापन नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में ही ज्ञापन की प्रतियां आग के हवाले कर दी। उन्होंने कहा किसानों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सांसद अजय भट्ट को ज्ञापन देने का फैसला लिया था, लेकिन काफी घंटे इंतजार करने के बाद भी जब अजय भट्ट ने किसानों का ज्ञापन नहीं लिया, तो उन्होंने ज्ञापन की प्रतियां जलाते हुए अजय भट्ट मुर्दाबाद और भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की। जैसा भी आपके संज्ञान में है कि ज्ञापन देने का कार्यक्रम था सांसद महोदय का और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे समय भी लिया गया था, लेकिन 2 बजे तक इंतजार करने के बाद भी वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया कि वो उसको लेने आए। आज जो संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर के और जो स्थानीय बात है, बाजपुर के ज़मीनों का मामला है, 1 साल से आंदोलन चल रहा है, वहाँ किसान बैठे हैं, उनका विषय था। यहाँ के क्षेत्र में ये लोगों के घर उजाड़ दिए गए इस भरे बरसात में बुलडोजर चला करके, उस विषय को लेकर के और अन्य जो विषय हैं किसानों के भुगतान को लेकर के, किसानों के धान को लेकर के, अन्य चीज़ों को, मूल्यों को लेकर के, उन स्थानीय मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन था, लेकिन सांसद महोदय के पास समय नहीं इतना निकल पाया कि वो अंदर सिर्फ अंदर से निकल के बाहर दरवाजे पे रिसीव कर लें, तो ये बड़ी निराशाजनक बात है। ऐसी उम्मीद कम से कम उन सांसद से नहीं की जा सकती जिन सांसद को यहाँ की जनता ने बहुत बड़े बहुमत से भी कुछ दिन पूर्व जिताया हो, और यहाँ की जनता की इस तरीके से उपेक्षा, उनसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, और इससे सारे ये कार्यकर्ता, सारे वो किसान प्रतिनिधि, आज सिर्फ एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम था जो किसान संगठनों के प्रतिनिधि थे जसपुर से लेकर के खटीमा तक के वो आए हुए थे, और जो ये उपेक्षापूर्ण रवैया हुआ उससे आज ये किसान मजदूर के प्रतिनिधि जो हैं वो आक्रोशित हैं, उन्होंने ये आक्रोश व्यक्त किया। देखिए जी, कार्रवाई क्या है, किसान मजदूरों के पास तो संघर्ष है और संघर्ष निरंतर चलेगा। सरकार अगर तानाशाही से बाज नहीं आएगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सब को सबक सिखाएगी क्षेत्र की जनता, इस जिले की जनता, इस लोकसभा की। दिल्ली के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि 16, 17 और 18 जुलाई को देश भर के सांसदों को हम मांग पत्र देंगे, जो भारत सरकार के सचिव द्वारा 9 नवंबर 2021 को किसान आंदोलन के दौरान लिखित चिट्ठी दी गई थी कि किसानों की मांगे हम मानेंगे, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी वो मांगे 3 साल नहीं मानी गई हैं। तो ये प्रतियां देकर आने वाले बजट सत्र के अंदर सांसदों से ये मांग की गई कि सांसद हमारी बातों को संसद के अंदर उठाएँ और जो सरकार ने वादा किया था वो वादा सरकार पूरा करे। इस क्रम में आज हम उत्तराखंड उधम सिंह नगर के संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान संगठन आज यहाँ के सांसद माननीय अजय भट्ट को ज्ञापन देने के लिए पहुँचे थे। अजय भट्ट जी भी जिला कलेक्ट्रेट में उनकी आज मीटिंग थी, और जब हम ज्ञापन देने पहुँचे तो माननीय हमें वहाँ पे अधिकारियों ने कहा कि कुछ समय लगेगा आपके अभी ज्ञापन लेने के लिए, हम उनको बुलाएँगे। हम लगभग 12:30 बजे से लेकर 1:30-2 बजे तक इंतज़ार किया। कई बार प्रतिनिधियों को हमने जो है जो समय दिया था 2 बजे तक का, हमने 2 बजे तक इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं निकले। मीटिंग में लगातार अपनी बातों में व्यस्त रहे। हम क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि लोग आए थे, कोई प्रदर्शन नहीं था आज,
आज खाली ज्ञापन देना मात्र था, और सिर्फ हमारे सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हम उनके पास आएंगे, लेकिन संसद जनप्रतिनिधि इस तरह उपेक्षित करेंगे, उपेक्षा करेंगे लोगों की, तो ये जनहित में नहीं है। इसको लेके हमने अपने संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठनों ने तय किया कि जब सांसद हमारी बात सुनने के प्रति इतना असंवेदनशील है तो हम इस ज्ञापन को क्या देने का फायदा, इसलिए ज्ञापन की प्रतियां आज जलाई हैं।